प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज हम आपको सिखाएंगे, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और इस लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और शनि बैठे हुए हैं, यहां पर शनि बारम भाव का स्वामी भी है, एक तो डिवोर्सी और बारम भाव का स्वामी होने के कारण और डिवोर्स देता है, यहां सूर्य मार केस है और चंद्र रोगेश है, तो यहां चंद्र और शनि रोग का ज्यादा फल देने वाले हैं और सूर्य यहां मारक हो जाता है और विवाह कराने वाला भी है। इसका मतलब मकर लगन से थोड़ा कम खराब योग बनता है कुंभ लगन में। यहां पर शनि मारक तो नहीं होता, सूर्य मारक होता है, यहां चंद्रमा मारक नहीं होता, यह रोगेश होता है, तो आदमी जिंदगी में बीमार रहेगा और उन बीमारियों से निजात पाने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। लेकिन नीलम पहनने के एक साइड इफेक्ट भी आपको मिलेंगे कि सीधा विवाह स्थान को देखता है, भाव और स्वामी को देखता है, भाव स्वामी को देखता है, सूर्य को देखता है, शादी तुड़वा देगा। ज्यादा बीमार रहने वाले आदमी के साथ में यह प्रॉब्लम्स आती है। यहां सूर्य की पूजा करें। अगर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं है तो फिर आप नीलम पहन सकते हैं, या शादी नहीं हुई तब भी पहन सकते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि ये धन का स्थान है। यहां पर सूर्य लाभेश की स्थिति में है, लाभ देने की स्थिति में है, क्योंकि पत्नी स्थान का स्वामी, तो पत्नी से लाभ मिलेगा आपको, धन मिलेगा आपको। लेकिन कर्ज देने वाला चंद्रमा है तो चंद्रमा की पूजा करें, शनि खर्च करने वाला है तो शनि की भी पूजा करें। चंद्रमा और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य अच्छी स्थिति में। सूर्य उच्चा हुआ है, सूर्य उच्च का हुआ है तीसरे भाव में, पत्नी आपको ऊंचे परिवार की मिलेगी, लेकिन उसमें व्यवधान करेगा शनि और उसमें तकलीफ देगा चंद्रमा। इसलिए इस कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि आपके लिए हानिकारक होते जा रहे हैं और सूर्य आपके लिए बेनिफिशियल होता जा रहा है। तो आप यहां माणिक पहनिएगा तो आपको पत्नी से लाभ मिलेगा और सूर्य के मजबूत होने के कारण चंद्र शनि को जितना आप कमजोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यानी शनि की पूजा और चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि चौथे भाव में बैठे हैं, रोगेश मां के घर में बैठा हुआ है, लग्नेश और द्वादशेश मां के घर में बैठा है और सूर्य भी यहां बैठा है। सूर्य चौथे भाव में अच्छा फल नहीं देता, ससुर राशि में है, चंद्रमा उच्च हुआ है। मां का स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो आप एक हीरा पहने साथ में मोती भी पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको। सूर्य, चंद्र और शनि अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो ये संतान का है, संतान के लिए हानिकारक कष्टकारक है, इसलिए पन्ना पहने तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र और शनि दुश्मनों से बचने के लिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए आप मोती पहनिएगा। यहां पर माणिक पहन सकते हैं, माणिक पहनने से वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा क्योंकि विवाह स्थान का स्वामी सूर्य है। ये तकलीफ में आया है शनि और चंद्रमा से, कई बार अपने भी धोखा देते हैं। यहां पर चंद्रमा सूर्य का मित्र है लेकिन फिर भी धोखा दे रहा है, इसलिए कुंडलियों के अंदर मित्रों पर यकीन नहीं किया जा सकता, कई बार मित्र भी हमें धोखा दे जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान यही है। सूर्य, चंद्र और शनि छठे भाव, अष्टम भाव और बारहवें भाव में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। यहां पर सूर्य पत्नी स्थान या पति स्थान का स्वामी होकर के मृत्यु के घर में पड़ा हुआ है, रोगेश चंद्रमा के साथ पड़ा हुआ है और बारहवें भाव के स्वामी के साथ पड़ा हुआ है। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में तकलीफ आने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए आपको सूर्य, चंद्र, शनि का यज्ञ कराना चाहिए। पूजा कराने से घर के कष्ट दूर होते हैं, पूजा कराने से घर में शांति होती है, पूजा यज्ञ हवन होने से घर में दूषित बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, आपका वातावरण ठीक हो जाता है। सूर्य नीच हुआ है, वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। इसकी नीचता को भंग करने के लिए आप एक हीरा पहन सकते हैं। इस लग्न में योग कारक रत्न हीरा होता है। अगर आपके भाग्य में नुकसान होता है, आपको लगता है मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो आप सूर्य की और शनि की पूजा करा लें तो उससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यहां चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर आपके भाग्य को नुकसान करता है, तो आप चंद्रमा की भी पूजा करा सकते हैं।
ज्योतिष में बताना और ज्योतिष को उपाय करना बड़ा क्रिटिकल है। खाली गाय को मूली खिलाने से या मंदिर में दान देने से लाभ नहीं मिलेगा आपको। आप मछलियों को आटा खिलाते रहो, आपका और मछली के साथ कोई लिंक नहीं है। सर्वोत्तम जीवन मनुष्य का है और मनुष्य को अपने उपाय अपने तरीके से ही करने होते हैं। आयुर्वेद, दान, कपड़ा, कलर थेरेपी, मंत्र जाप और भोजन कराना, नग पहनना, ये हमारे जीवन के हिस्से हैं। सूर्य, चंद्र और शनि, यहां चंद्रमा नीच हुआ है, अच्छा नहीं है। यहां माणिक पहन सकते हैं आपके कैरियर के लिए और साथ में मूंगा भी पहन सकते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि विदेश स्थान पर बैठे हुए हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप माणिक पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। माणिक के साथ अगर आप पुखराज पहनेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यह मोती नहीं पहन सकते क्योंकि यह ग्रह यहां कमजोर स्थिति में आ गया है, यह नीच होकर के बैठा है, आपकी जॉब के लिए नुकसानदायक है। यहां पर शनि बारहवें भाव का स्वामी होकर के शत्रु राशि में बैठा हुआ, यह भी आपकी जॉब के लिए नुकसानदायक है। सूर्य, चंद्र और शनि, यहां पर सूर्य लाभ स्थान में है, यह अच्छी स्थिति में है, आप माणिक पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। सूर्य, चंद्र और शनि, जहां शनि अपने घर में बैठा हुआ है, यहां विवाह स्थान का स्वामी भी साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। पत्नी सुख या पति सुख यहां पर छिन्न भिन्न हो जाते हैं क्योंकि वैवाहिक जीवन का स्वामी स्वयं डिवोर्सी है और डिवोर्सी ग्रह के साथ बैठा है, साथ में छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब यह रहा कि विवाह कराने वाला ग्रह वो ऐसे बुरे ग्रह के साथ बैठा है जो वैवाहिक जीवन को चलने ही नहीं देगा। यानी सूर्य शादी कराने वाला है और शादी कराने वाला ग्रह बैठा किसी दुश्मन के साथ हो तो दुश्मन तो कभी नहीं चाहेगा कि शादी सक्सेस हो और वो हमेशा मौके की तलाश में रहेगा और आपकी शादी का डिवोर्स करा देगा। इसलिए यहां जिस लड़की की कुंडली में या जिस लड़के की कुंडली में शादी में बाधा आ रही है, सूर्य और शनि एक साथ पड़े हुए हैं तो इनकी पूजा कराने से लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में भी शादी में बाधा आ रही है, आप बीमार रहते हैं, आपका भाग्य साथ नहीं देता, जब से आपने मकान, फ्लैट, कोठी, बंगला लिया है या उसमें कोई अल्टरेशन की है या उसमें कोई नई चीज बनाई है उसके बाद आप दुखी रहने लग गए हैं, तो आप अपना वास्तु भेद करा सकते हैं, उससे लाभ जरूर मिलेगा आपको। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।